गाइस 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 तुम बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर देखो एक अल्फा स्लीगू है लिटरली, जिसको हम पकड़ पाएंगे, जो कि काफी कमाल की बात होगी यार। यानी कि हमारा पहला ड्रैगन टाइप एनकाउंटर है ये लिटरली, और ये एक अल्फा निकला जो कि काफी बात बड़ी बात है। और ये लेवल 50 का है, यानी कि हमको इसको ग्राइंड करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि लेवल 51 पर बारिश के समय ये अपने आप इवॉल्व हो जाएगा, जो कि काफी बड़ी बात होगी। आई होप ये पकड़ में आ जाए भाई, आ जाए। यस वी डिड इट, एन अल्फा स्लीगू, जो कि काफी कमाल की बात है। और ये एक ड्रैगन और स्टील टाइप का है, जिसकी टाइपिंग्स काफी ऑसम है भाई। दिस इज अमेजिंग यार, काफी मजा आ गया। और यहाँ पर काफी सारे ये भी है, गूमी भी है, जिनको मैं अभी पकड़ूंगा जाकर। ऑलराइट भैया, ये एक इन्फर्निप है। ऑल राइट, एक अल्फा इन्फर्निप। तो मैं बैस्क्यूलिजन के साथ ऐसे ही यहाँ पर पानी की ओर सर्फ कर रहा था, और मेरे को ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी लाइक किसी बंदर की। तो मैंने सोचा कि कुछ होगा, लाइक मैंने एम्बी पम्प सोचा था, पर ये तो भाई एक अल्फा इन्फर्निप निकला। और भाई इसकी हाइट देखो, तुम लोग हाइट देखो भाई बंदे की, भाई क्या ही चीज़ है ये। ऑलराइट, आराम से जाते हैं। आई होप ये हमने इससे अनअवेयर पकड़ लिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बस इसको थोड़ा पैरालाइज कर लेते हैं, पैरालाइज करके फिर बाद में पकड़ेंगे। ओ शिट भाई, मर मत जाना। ओके बच गया। ऑलराइट, इट्स टाइम टू यूज़ दी अल्ट्रा बॉल भाई। तोड़ मत दे प्लीज़ बंदे, तोड़ मत दे। ऑलरेडी हेल्थ एकदम लाल पर ला कर खड़ी कर दी हमने इसकी। ओके वी एक्चुअली डिड इट, हमने पकड़ लिया एक अल्फा इन्फिनिप को, जो कि काफ़ी सही बात है भाई। ऑल राइट, दिस इज सो ऑसम भाई, वी कॉट द किंग ऑफ द जंगल। यानी कि हाँ, वैसा ही किंग कॉन्ग की तरह दिखता है यार ये गोरिला टैक्टिक्स, गोरिला द मंकी किंग इटसेल्फ, द अल्फा इन्फिनिप, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और हमारी टीम की फायर टाइप प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई गाइज। भाई अब ये पीट ब्लॉक मिल रहा, ओह शिट भाई, पीट ब्लॉक छोड़ो, वो देखो, मां कसम, दैट्स एन अल्फा टॉर्टेरा। ओके, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ दैट भाई, ये मेरे को पता नहीं था ये भी मिलता है यहाँ पर। ओके, मैं पीट ब्लॉक ढूंढ रहा था इसके लिए, अर्सरिंग के लिए। और ये क्या है ये भाई, दिस इज सो अमेजिंग। ऑलराइट, ये एक अल्फा टॉर्टेरा है। नाइस मैन भाई, अगर इन्फर्निप और टॉर्टेरा हमें मिल गए तो एक्चुअली हमको एम्पोलियन भी मिल सकता है, पर पता नहीं एम्पोलियन एक्चुअली है कहाँ पर। रेजिंग फ्यूरी करके देखो क्या, या फिर क्या करके देखो, आई हैव टू सी। एंड गाइस, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये एक्चुअली स्ट्रांग है। आई होप पोके बॉल के अंदर ये आ जाएगा भाई। आ जा। ऑल राइट, एक रेजिंग फ्यूरी ने उसकी हेल्थ लिटरली इतनी कम कर दी कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद भाई मैं डर गया कि भाई वो भी एजाइल स्टाइल में जाकर मारा था, तब जाकर उसकी हेल्थ ऐसी एकदम कम हो गई। नसीब मैंने गलती से स्ट्रॉन्ग स्टाइल या फिर नॉर्मल वाला नहीं मार दिया, टॉर्टेरा उधर के उधर ही मर जाता था भाई। बच गए भाई। ये इन्फर्निप की ताकत कमाल की है यार, एक ही शॉट में लिटरली उसने उतने कम हेल्थ पर पहुँचा दी। और उसके बाद टॉर्टेरा ने बहुत जोर का अर्थक्वेक या फिर कुछ तो हेड स्मैश कर दिया था। But it looks good. And hey guys, कैसे हो सब लोग? और आज हम जाएंगे हमारे आगे के एडवेंचर की ओर, जो है कोबाल्ट कोस्टलैंड्स में। यानी कि पिछले एपिसोड में हमें बताया गया था कि हमें यहाँ पर जाना है इलेक्ट्रोड को शांत कराने के लिए, एंड दैट्स वॉट वी विल बी डूइंग टूडे। तो काफी मजा आएगा। एंड लुक एट दिस भाई, ये ब्लैक स्काई तो वो एकदम सामने सामने आते जा रही है, एंड दिस प्लेस एक्चुअली लुक्स लाइक श्राउडेड रुइंस, जहाँ पर हमको राइल्ड्स और कियारला मिली थी, ये वैसे ही लग रही है। हे प्रोफेसर, कैसे हो? ओह, तो तुम आ गए मेरे बच्चे, वेलकम टू कॉर्नेट आइलैंड्स। अरे थैंक यू यार, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे रॉक टाइप, ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पर घूमते होंगे। ओके, ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं। और वहाँ पर राइट बीनीथ द ग्रेट रिफ्ट इन टाइम स्पेस इज द पीक ऑफ माउंट कॉर्नेट इटसेल्फ। द मैग्नेटिज्म फ्रॉम इट मे वेल एग्जर्ट सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पोकेमॉन थ्रू आउट द एरिया, फैसिनेटिंग स्टफ। अरे नाइस यार, अगर मैग्नेटिज्म की बात हो रही है तो आई गेस यहाँ पर स्टील टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स भी होंगे, सो दैट्स काइंड ऑफ अमेजिंग। तो हमें टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस लानी होगी, क्योंकि यहाँ पर रॉक, ग्राउंड, स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप के पोकेमॉन्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
तो भाई लेट्स सी, तो भाई वॉलरेन नहीं है, वॉलरेन को नहीं ले सकते। स्लीगू एक अच्छा एडिशन है फिलहाल के लिए, पर यहाँ पर बारिश तो हो रही नहीं है तो उसको लेकर फ़ायदा नहीं है। हेराक्रॉस अभी के लिए नहीं चाहिए भाई। वेल बाकी किसको लूँ भाई, मैं किसको लूँ? हाँ भाई, तुम लोग ने कहा था एक्चुअली कि वो ये वाली मिशन करने के लिए, कौन सी विलोविस वाली, और वहाँ पर मेरे को एक्चुअली एक चिमचार मिला, जो कि काफ़ी सही बात है यार, काफ़ी औसम थी यार, मज़ा आ गया था। यानी कि मैं ऐसे ही कर रहा था और लिटरली चिमचार सामने आ गया, जो कि काफ़ी औसम बात थी, मज़ा आ गया एक्चुअली। और भाई मैं उसको यूज़ करने वाला था, पर बाद में ऐसे ही सर्व करते टाइम मेरे को एक्चुअली एक ये मिल गया था, अल्फा इन्फर्नेप। अभी भाई अल्फा इन्फर्नेप अभी तुम्हारे सामने हो तो भाई वो चिमचार का मैं क्या ही करूँ। ऑल राइट, लेट्स डू दिस भाई, आ गए हम यहाँ पर, अभी चलो अंदर। द इलेक्ट्रोड नोन एज द लॉर्ड ऑफ हॉलो इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड आई रिकॉल, ओके, बट इट्स इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एटलीस्ट आर फेमिलियर, वन फॉल्स स्टेप अराउंड इट कुड पुट यू इन डैमेज, कुड पुट यू इन डेंजर। ऑल राइट भाई, हाँ इलेक्ट्रोड से पंगे नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू फेस इट यू माइट कंसिडर कैचिंग पोकेमॉन दैट कैन विदस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, इट मस्ट बी डिफिकल्ट बींग अ पोकेमॉन डोंट यू थिंक, स्पेशली वन एज इरिटेबल एज इलेक्ट्रोड एंड देन बिकमिंग फिनाइस टू बूट। हाँ भाई बात तो सही है Sutru, it's tough, old life for Pokemon and for us, okay, well, what an igno of the Pearl Clan and oh my, the Galaxy Team Grunt, Grunt shabd ka prayog yaha se hua tha, nice, but by the sheer tenderness of my heart, I'll grant you a trial to see if you are worthy, the greatest obstacle you'll ever face awaits, you right here, battle me if you dare. भाई बैटल नहीं करनी है हमको, बस अंदर जाना है, अंदर जाने दीजिए कृपया करके। वेल देन लेट मी टेल यू द ग्रेट मेरिल्स टेक ऑन द होल, ओके, द फ्रेंजी ऑफ आर नोबल्स इज नथिंग अदर देन अ मार्क, व्हाई, बिकॉज इट मेक्स देम स्ट्रॉन्गर, डू आई रियली नीड टू स्पेल आउट, दैट्स अ गुड थिंग, ओ वी मस्ट लेट माई लॉर्ड फ्रेंजी एज इट मे टू डेमोन्स्ट्रेट टू ऑल माइटी सिनो दैट द डायमंड क्लैन लिव्स हैज इट्स राइट नाउ, ओके, दिस मे इवन बी डेयर आई से, ओके ओके, व्हाट बिजनेस इज ऑफ द गैलेक्सी टीम्स एनी वे, इलेक्ट्रोड लेट्स लूज अ फ्यू स्पार्क्स आउट हियर। भाई लोगों को सताएगा वो, मारेगा पोकेमॉन्स को भाई वो एक प्रॉब्लम है ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा वो। ऑल राइट, शी इज़ अ रियल एरोगेंट क्रीचर, एरोगेंट पर्सन भाई, ओके, रियली यू शुड डू ऑल ऑफ अस अ फेवर एंड सिंग बैक टू द होम और द विलेज ऑफ योर्स रादर देन प्रसिस्ट इन दिस फॉली। ऑल राइट भाई, दिस इज अमेजिंग, क्या सेल्फिश औरत है, अगर ये फ्रेनाइज पोकेमॉन ऐसे ही होंगे तो वो काफ़ी सफ़र करेंगे, पर तुम्हें क्या करना चाहिए जेन, तुम्हें क्या लगता है? भाई मैं बोलता हूँ अंदर चल और देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं, जस्ट चार्ज इन, ऑल राइट लेट्स गो। वेरी वेल, पर क्या के अंदर के ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, पर मैं तुम्हें आगे की ओर लेकर जाऊँगा, क्योंकि स्नीजनर को मिलने के लिए हमें इस वेवार्ड केव को क्रॉस करना होगा। पर यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन जैसे कि गोलबैट होंगे, जिसके नेविगेशंस की वजह से हम बाहर जा पाएंगे। It's quite dim inside, so you'll need to watch your step. Okay, भाई चलो अंदर अंकल, चलो अंदर जाकर देखते हैं भाई क्या होगा। और भाई गोलबैट आने वाले हैं तो भाई लक्सरे को यानी कि जेनित्सु को सामने ही रख देते हैं, ताकि भाई बाद में जाकर प्रॉब्लम्स ना हो हमारे लिए। एंड भाई दिस केव लुक्स गुड, दिस केव एक्चुअली लुक्स गुड। वेल दिस इज आउट, द टॉर्चेस द लाइट द वे थ्रू आउट द केव आर गॉन, शायद से ये मेरे लिए होगी जो कि हम पर मुसीबत ही डालना चाहती है, पर डरो मत, मुझे ये पूरी केव अच्छे से याद है, मैं तुम्हें आगे तक पहुँचाऊँगा, कोई अंधेरा हमें रोक नहीं पाएगा, चलो आगे। ऑल राइट लेट्स गो, टेक केयर टू नॉट, ओके भाई काफ़ी सही है भाई, मैं आगे नहीं जा सकता, शायद से इसको ही फॉलो करके जाना होगा। आई रिकॉल फेंटली दैट आई हैड अ पार्टनर वंस, अ प्रेशियस वन, ओ भाई इसको याददाश्त इसकी आ रही है वापस, नाइस, दिस इज नाइस, इट्स नेम एस्केप्स मी बट आई रिमेंबर दैट इट वील्डेड फ्लेम्स, ओ इट इफ आई ओनली वर हियर आई एम श्योर इट वुड लाइट द केव, नाइस ओके भाई ऐसे क्या दिख रहा है यार, ये बहुत खतरनाक दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई ओ
अल्फा क्रोबैट। ओके, आगे जाकर हमको अल्फा क्रोबैट देखने को मिलने वाला है। भाई वो ऐसे पॉज हो गया ना, मैं डर गया कि भाई ये भूत भी तो नहीं है ना भाई। एक्चुअली डर गया मैं भाई, काफ़ी क्रीपी लग रहा था ये। आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉल दी मैन हु लुक लाइक मी, वी बैटल टू डिस्कस। ओके, या पर इसके जैसे एक और इंसान था तो मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली ये किस कैरेक्टर का पूर्वज है यार, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। द वर्ड्स लाइक विनिंग मोर देन एनीथिंग एल्स फ्लैश टू माई माइंड। ओके, आई डू रिमेंबर विनिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। ये किसकी डायलॉग थी, ये किसी कैरेक्टर की डायलॉग है? आई गेस सो, ये किसी कैरेक्टर की डायलॉग तो है, पर किसकी डायलॉग है आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। बट ये एक्चुअली कहीं से तो आया है भाई। ओके, यहाँ पर क्या हो, ये टॉर्चेस यहाँ पर है। ऑल राइट, टॉर्चेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? लेट मी पुट दोज टॉर्चेस बैक वेयर दे बिलोंग, दिस डार्कनेस कुड बी पेरिलियस फॉर दिस। ओके, पेरिलियस भाई। ऑल राइट, आई बेग यू पार्डन फॉर द डिले, आई हैव लिट एंड रिटर्न द टॉर्चेस, माई सेफ्टी कंसर्न्स हैव बीन एड्रेस्ड, रेडी फॉर डिपार्चर। ओके, इफ यू फॉलो द ट्रैक मार्क्ड बाई द टॉर्चेस यू विल रीच द टर्मिनस ऑफ दिस केव। ओके ओके, लेट्स जस्ट डू दैट। और भाई अल्फा क्रोबैट तेरे से बाद में निपटूंगा भाई, इससे ऑलरेडी दो तीन पोकेमॉन मार दिए मेरे, मुझे लगा भाई पकड़ लेंगे, पर एक्चुअली ही वॉज एक्चुअली स्ट्रांग, तो भाई इससे पंगे नहीं लेंगे, इसको मैं बाद में पकड़ने आऊँगा, पर फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट काम करना है, फिलहाल आगे जाना है और हमारे पोकेमॉन्स को हिलअप भी करना है ना, तो भाई आगे चलकर ही देख लेते हैं। और आई गेस दिस इज़ द एंड ऑफ द टर्मिनस, होपफुली भाई होपफुली यही होना चाहिए। चलो बच्चे, अरे क्या करना है, अच्छा ए बटन दबाना है। ओके, दैट एस्केप इज काइंड ऑफ वियर्ड, यानी कि ए बटन दबाकर आपको जाना है, एंड वी मेड इट आउटसाइड। नाइस। ऑल राइट, प्रोफेसर लेवेंडन टोल्ड मी हाउ यू फेल टू दिस लैंड फ्रॉम द स्काई। For my part, I simply found myself one day here in Hisui, a region whose name I'd never heard. Oh, nice. All I could remember was my own name. I was still standing here in bafflement when the Pearl Clan came to my aid. I showed a neutral affinity for taming Pokemon, which is why I eventually became a warden. But still, I wonder what my true purpose is here. भाई कितना खतरनाक होगा ना, समझो मतलब लिटरली तुम एक दिन अपने घर पर बैठे हो और अगले दिन पता चला तुम आसमान से गिरकर एक दूसरे टाइमलाइन में जाओगे, यानी कि वो मज़ा तो आएगा बट साथ में भाई फटी पड़ी रहेगी कि यहाँ पर लिटरली ये ज़िंदगी छोड़ के भाई ये इधर क्या कर रहा हूँ, यानी कि कितना कन्फ्यूजन होगा कि ये रियलिटी है या फिर मैं मर गया, भाई बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। और ये देखो एक अल्फा हेराक्रॉस नहीं है, नॉर्मल हेराक्रॉस है, और पैरासिट कम ऑन भाई। अरे हेराक्रॉस कैसा है दोस्त, तेरे को ऑलरेडी पकड़ा है मैंने, तेरे को बाद में पकड़ लूँगा, फिलहाल तो भाई टीम को हिलअप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई यहाँ पर पोकेमॉन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और देखो भाई ओके गोल्डक, अच्छा गोल्डक तो मैंने ऑलरेडी उसकी डेक्स एंट्री पूरी कंप्लीट करके रखी है, और भाई बास्किलिजन जब से आया है ना ज़िंदगी में तब से भाई लाइफ इजी हो गई है कितनी सारी, वरना भाई ये आइलैंड पे जाने के लिए इतना घूम के जाना पड़ता था हमको लिटरली, और पानी में गिर गए तो मर जाते थे। सो बास्किलिजन भाई बहुत कमाल का पोकेमॉन है यार, लिटरली इतने सारे नए एरियाज में घूम पा रहा हूँ अभी जहाँ पर मैं पहले नहीं जा पा रहा था, सो दैट्स काइंड ऑफ अमेजिंग। और हमें मैग्माराइजर भी मिल गया तो हम एक मैग्माटार भी बना पाएंगे, पर अभी हमारे पास इन्फर्नेप है यार, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ एक्चुअली, मैं करूँ क्या भाई, इतने सारी ऑप्शंस है ना टीम बनाने की कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा नहीं है कि तुम लेवल 80 के पोकेमॉन 60 के पोकेमॉन्स लाओगे तो भाई अनफेयर एडवांटेज होगा, नहीं, ये गेम तुम्हारी तब भी सुताई करेगी, यानी कि भाई इस गेम की बैटल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज देती है ना, मैं क्या ही बताऊँ तुमको। ऑल राइट, यहाँ पर हम आ गए। व्हाट्स द बिग आइडिया, पुटिंग बैक ऑल द टॉर्चेस आई स्पेंड एजेस टाइडिंग अवे। भाई वो मेरा काम नहीं था। डू यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अम्यूजमेंट स्टॉम्पिंग अराउंड एंड रनिंग पीपल्स नोबल डीड्स। ओके, ओ रिगार्डिंग द केव, इम्पॉसिबल टू पीपल हु वेंचर इनसाइड। अच्छा, लोगों के लिए इसने एक्चुअली रख दिया। ओके नाइस, वेल दिस जस्ट गोज टू शो दैट इवन वी वार्डन्स डोंट ऑलवेज। ओके, आई एस्टिंग्विश दोस लाइट फॉर द सेक ऑफ द पोकेमॉन इन द केव हु प्रिफर द डार्क।
भाई पता नहीं ये एक्चुअली बुरा करती है पर एक अच्छे रीजन की वजह से करती है, यानी कि हाँ जूबैट और क्रोबैट्स को एक्चुअली दिक्कत होती है लाइट से, पर उनके इंटेंशन के लिए इसने अच्छा किया था। पर ये इतनी एरोगेंट है ना, ऐसा लगता है सब कुछ ये करती है बुरे मन से करती है भाई, ये पता नहीं। अब फ्रीनाइज्ड पोकेमॉन्स का लॉजिक मुझे समझा कि हाँ वो ताकतवर होते हैं तो ये एक अच्छी बात है, आई गेट इट, बट मतलब उसका पार्ट भी राइट है एंड मतलब मैं समझा नहीं सकता यार, दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। पर यहाँ पर बैटल हो रही है, ऑल राइट लेट्स डू दिस ब्रो, लेट्स डू दिस। और मैंने अरे यार हमें टीम मतलब कुछ ऑप्शन मिलता ही नहीं है यार इस गेम में, वो एक दिक्कत वाली बात है। देखो यही तो मैं कह रहा था, भले ही तुम 70-80 लेवल के पोकेमॉन्स पकड़ो तुमको कभी प्रॉपर एडवांटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो तुमसे वीकर पोकेमॉन्स भी बहुत ज़ोरदार डैमेज कर सकते हैं तुमको, और यू नो दैट्स दी अनफेयर एडवांटेज। और भाई बच गया, देखो बच गया भाई, टॉर्टेरा को तो मार रहा था अच्छे से खासे, जबकि टॉर्टेरा एक बोल्ड नेचर का था, यानी कि टॉर्टेरा की डिफेंस ऊपर है और अटैक नीचे, जो कि काफ़ी बुरी बात है, बट फिर भी एक बोल्ड नेचर के टॉर्टेरा को इसने एक अटैक से लिटरली लाल पर ला दिया था, क्योंकि ये ऑब्वियसली एडमिन नेचर का, तो एक्चुअली उसकी अटैक स्टैट बड़ी होगी, पर फिर भी यार एक स्टंकी को नहीं आ रहा पा रहा। ओके लिसन हियर, नाइदर आई नो स्टंक कैंट एडमिट डिफीट जस्ट येट, अ चैलेंज टू यू स्टिल स्टैंड्स। भाई मेरे पोकेमॉन्स तो हील अप कर दो कोई तो, हाउएवर आई विल विड्रॉ टू अफोर्ड स्टंक कैंट टाइम टू रिकवर, देयर इज नो शेम इन टैक्टिकल रिट्रीट, इट्स मोर ऑफ एन एडवांस इफ यू थिंक अबाउट इट, कीप योर गार्ड अप विल बी बैक। भाई मेरे पोकेमॉन्स हील तो कर दे, ये क्या है, कम से कम वो दूसरी वाली तो हील कर दी थी यार, ये क्या है यार, वट हाँ वही आई के नॉट फैट ऑन वार्डन मेरिल्स इंटेंशंस। हाँ वही मैं कह रहा था, उसकी इंटेंशंस एक्चुअली अच्छी है बट इन अ बैड वे, यानी कि भाई एक्सप्लेन कैसे करूँ आई डोंट नो, बट हाँ तुम समझ सकते हो, यानी कि इट्स लाइक बैटमैन एंड सुपरमैन थिंग, यानी कि बैटमैन कहता है कि क्रिमिनल्स को मारना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम उनको मार डालेंगे तो हम खुद भी क्रिमिनल्स बन जाएंगे, ऑन दी अदर हैंड सुपरमैन कहता है कि भाई क्रिमिनल्स को नहीं मारा तो वैसे भी वो बाहर निकल के और लोगों को मारेंगे ही मारेंगे, तो उनको अगर मार देंगे तो काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी, तो यार वो एक आइडियोलॉजी वाली बात हो जाती है, यानी कि इंटेंशंस दोनों तरफ से अच्छे हैं पर एक के बुरे और एक के भी बुरे, यानी कि बोल नहीं सकता यार। द स्टोन्स यूज टू बिल्ड द टेम्पल्स अटॉप दिस माउंटेन वर ऑल कट, ओके वेदर बाई ह्यूमन्स एंड पोकेमॉन्स वर्किंग एज वन और बाई द लेबर ऑफ पोकेमॉन, ओके द स्टोन्स दैट वर लेफ्ट बिहाइंड शुड सर्व टू दी टू कवर अस फ्रॉम द ग्रेजेस ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन, ओके हाँ दे यू आर इग्नो। भाई वोलो यहाँ पर आ गया, अरे नाइस वोलो, ए कैसे हो दोस्त, बोलो क्या हुआ सर। हाँ मुझे तुमने पता लगाना था कि तुम्हारी मेमोरी वापस आई या नहीं, क्या तुम्हें कुछ भी पता चला कि तुम स्पेस टाइम रिफ्ट से कैसे आ गए। पता नहीं सर, मेरे ख्याल से स्पेस टाइम रिफ्ट ही जिम्मेदार है इसके लिए, पर मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, मैं क्या ही बता सकता हूँ, मुझे मेरा घर मेरा परिवार कुछ भी याद नहीं आ रहा। So you might do better to pose your questions to Zen, I think. Acha. Indeed. Well, I do hope your memory is written, Vodnigno. How about you, Zen? Then Zen, do you remember what you saw before you fell out that drift? Was there anything inside? Bhai, haan, kis tha? Maybe something. I saw nothing. Maybe something. Haan, maybe something tha. Interesting. You see, personally, I suspect that whether whatever is on the other side of that drift is causing the strange lightning that plagues us. Okay. Alright, indeed, I did some digging and found records indicating that the same space-time rift also, also appeared in the Hisui in the distant past. Oh, nice. That's why we already had a name for it as it appeared. In fact, Now, what kind of world do you suppose stretches out on the other side of the rift? Bhai, kaafi sundar duniya hai bhai. My guess is that it's Almighty Sinnoh's realm. But then begs the question, why has the space-time rift reopened when it closed once?
हाँ दैट्स काइंड ऑफ अमेजिंग भाई, ये एक एक्चुअली अमेजिंग चीज़ है, यानी कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली चल रहा क्या है इस पूरे गेम के अंदर। स्पेस टाइम रिफ्ट खुलती है, बाद में हम भी आ जाते हैं, चलो हमारा तो समझ में आता है हम कहानी के मेन ये कैरेक्टर है, पर इग्नो क्यों आया, इग्नो मतलब उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी, वो कैसे आ गया अंदर और वो कब आया और कहाँ से आया, भाई कितने सारे सवाल है यार, बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे, बट भाई समझ में ही नहीं आ रहा। एंड ओके ओके प्रायोरिटाइज ओके ओके ओ आई एम अ मेयर एडमायर ऑफ रूइंस एंड लिटिल मो, इफ समथिंग नीड्स इन्वेस्टिगेशन देन आई वुड इंटरेस्ट दैट टास्क टू जेन अंटिल नेक्स्ट टाइम देन। ओके भाई वोलो के साथ ना हमारी बाद में जाकर बैटल होगी आई गेस, और उसकी टीम ना सिंथिया की टीम जैसी ही है, यानी कि लास्ट टाइम उसने गिब्बल और टोगेपी यूज़ किया था, सो आई हैव अ फीलिंग वो आगे जाकर और भी सिंथिया वाली कारनामे करने वाला है, पर सिंथिया एक चैम्पियन थी और ये पता नहीं क्या करने वाला है भाई, ये तो एक ऐसे ही नॉर्मल बंदा है भाई। ओके ब्रॉन्ज और तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 4-5 पोकेमॉन दे ओके ब्रॉन्जोंग भाई मेरे को पकड़ने हैं, पर मेरे पोकेमॉन्स की हेल्थ बहुत कम है और मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पर मरूँ और बाद में मैं 10-15 आइटम्स ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँ, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, तो मैं आऊँगा यहाँ पर वापस आऊँगा और सबको पकड़ लूँगा। और अर्सरिंग कैसा है यार, अर्सरिंग ओ कितने सारे अर्सरिंग है यहाँ पर, ओ भाई टेडी उर्सा अर्सरिंग लक्सियो लक्सरे, अच्छा इन सबको तो पकड़ा है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। एंड व्हाट्स ओवर देयर, गैस्ट्रोडॉन को भी पकड़ लिया हमने, तो भाई एक अच्छी बात है कि बहुत सारे पोकेमॉन्स हमने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं। अच्छा गैस्ट्रोडॉन नहीं था वो, एक्चुअली पत्थर था, मेरे को दूर से गैस्ट्रोडॉन जैसा लगा, तो ऑलरेडी बहुत सारे पोकेमॉन्स यहाँ पर पकड़ लिए हैं फॉर एक्सेप्ट फॉर सम, उनको पकड़ना अब ज़रूरी है, बाद में पकड़ लेंगे। ऑलराइट हे कैसे हो दोस्त, आ गया मैं, भाई ये क्या है, वुड नेवर एक्सपेक्ट टू बी एबल टू क्लाइम सच शीर क्लिफ्स एज दीज, ओके बट विथ स्नीजलर एज एन एलाई इट बिकम्स दी वर्क ऑफ अ मोमेंट, ओ नाइस, अच्छा स्नीजलर ये चढ़ सकता है, ओके शी इज सो एट होम ऑन अ क्लिफ फेस वन माइट थिंक शी न्यू सम सेंट, ओके what am I saying, hidden moves, there are no hidden things in Hisui, oh there are no such things in Hisui, oh nice भाई ये एक्चुअली अपने टाइमलाइन से ही आया है, हिडन मूव्स टीएम्स एक्सेट्रा, ओ भाई इसको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है भाई, बहुत जल्दी इसको याद आएगा सब कुछ, दिस इज़ ऑसम भाई, जस्ट हु वाज आई बिफोर आई केम टू हिसुई, भाई मेरे को खुद को जानना है भाई तू कौन था, इफ़ यू फेल फ्रॉम द स्काई यू कम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट लाइकली, पर अब्स पोकेमॉन बैटल विथ यू वुड जॉग दिस मेमोरी, ओ नाइस पोकेमॉन बैटल वुड यू ऑनर मी विथ अ बैटल, भाई मेरे पोकेमॉन्स ऑलमोस्ट मरने की कदार पर है यार, उनका कुछ करो, एक काम करता हूँ पहले पीछे जाकर हील अप करके आ जाता हूँ भाई, नहीं हील अप नहीं कर सकता भाई, क्या करूँ मैं भाई, नहीं कर सकता हील अप, ऑल राइट लेट्स जस्ट डू दिस भाई, तेरे को ऐसे ही मारते हैं भाई और कुछ ऑप्शन नहीं है, मैंने एक्चुअली पीछे जाकर मैं हील अप करके आ गया क्योंकि भाई पिछली बार मैं इससे लड़ा और इसने मेरे दो पोकेमॉन्स को ऐसे ही हरा दिया, तो मेरे को वापस पीछे जाना पड़ा और ज़रा हील अप करके वापस आना पड़ा, सो इट्स ऑसम। और यहाँ पर एरिलेस लग गया इसको और आई होप ये मर जाएगा, यस मर गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलराइट ओके अब आया ग्लाइस्कोर, ओ ग्लाइस्कोर मेरे दोस्त कैसा है, अरे यार हमें अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा, यानी कि सीधे वो आके देखो दो बार अटैक कर लिया इसने, ओके कोई बात नहीं क्विक अटैक था, अरे क्या है ये यार, ये तीन बार कैसे अटैक कर रहा है यार, व्हाट द हेल मैन, तो यही मैं कह रहा था ये गेम की बैटल टेक्निक्स है ना बहुत ही डिसएडवांटेज देती है यार तुमको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी तुम दो बार मारते हो, कभी कभी सामने वाला एक बार मारता है, कभी कभी सामने वाला 3-4 बार मार देता है, मे बी स्पीड वॉज द फैक्टर ओवर हियर, बट फिर भी यार स्पीड इतनी भी नहीं होनी चाहिए, और भी देखो टैंगला, ऑलराइट देखो टैंगला कैसे मार रहा है, फ्लोटजेल की स्पीड टैंगला से 10 गुना ज़्यादा है भाई, ये क्या ही लॉजिक से कर रहा है, आई डोंट हैव अ क्लू, और क्या ये है यार, ये एनर्जी बॉल मार दे रहा है लिटरली हमको, व्हाट द हेल मैन व्हाट द हेल, यानी कि हमारी स्पीड एक्चुअली ज़्यादा होनी चाहिए, आई गेस इस गेम में ऐसा सिस्टम है कि जो पोकेमॉन मतलब जिस पोकेमॉन को तुम बाद में चुनोगे वो पहले अटैक करेगा, आई गेस दैट इज द थिंग, आई डोंट रियली नो, बट जो मैं देख रहा हूँ उससे तो ऐसा ही लग रहा है,
ओके, फ्लेयर ब्लिट्स ने इसे मार दिया। ऑलराइट, नाइस नाइस। अच्छा, रेजिंग फ्यूरी, सॉरी भाई, सब कुछ इतना सिमिलर दिख रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। ओके, हमने इसे हरा दिया फाइनली। ब्रावो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ऑल राइट बंदे, भाई तूने भी भाई अनफेयर एडवांटेज दे दिया। एक पोकेमॉन 3-4 बार अटैक कर रहा था तेरा, पर कोई बात नहीं। योर टैलेंट हैज़ ब्रॉट यू टू द डेस्टिनेशन कॉल्ड विक्टरी। नाइस, नाउ अलाउ मी टू कॉल स्नीज़लर। ओ तेरी आ गया, शायद से आ गया। ऑल राइट, हियर वी गो स्नीज़लर। यस, काफी क्रीपी दिख रहा है यार ये, मतलब इसकी डिजाइन ना एक्चुअली काफी क्रीपी है। यानी कि भाई अगर मेरे सामने ये चीज आ गई तो भाई मैं बहुत जोर से भागने वाला हूँ, क्योंकि दिस लुक्स एक्चुअली क्रीपी। ऐसा लगता है कि वो तुमको मार डालने ही आ रहा है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू स्नीज़लर। वुड यू बी टू सो काइंड टू प्ले हिज योर फ्लूट फॉर हिम। ओके, फ्लूट बजा लेते हैं भाई स्नीज़लर के लिए। लेट्स सी। ऑल राइट, फ्लूट बजाकर हो गई। एंड आई गेस, अरे अरे अरे, शर्मा रहा है बंदा ये। ओ नाइस, स्नीज़लर ओपन डिजर्ट भाई। ऑल राइट, हमको स्नीज़लर मिल गया। यू रिसीव्ड द टॉक्सिक प्लेट। भाई स्नीज़लर पॉइजन टाइप का है क्या? अच्छा, ये रॉक और पॉइजन है, यानी कि इस गेम में रॉक टाइप कितने सारे हैं यार। यानी कि जो एवलग है वो भी रॉक और आइस टाइप है, बाद में आर्केनाइन भी रॉक और फायर टाइप है, साइथर भी बग और रॉक टाइप है। भाई बहुत सारे रॉक टाइप इंट्रोड्यूस कर दिए ये लोग ने ऐसे ही, पता नहीं क्यों, पर रॉक टाइपिंग्स पर ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने। भाई स्नीज़लर, अच्छा यहाँ पर है। ओ नाइस नाइस नाइस, भाई कैसे चल रहा है ये देखो। ओ दिस इज सो ऑसम मैन, दिस इज सो ऑसम। वाओ यार, मज़ा आ गया यार, सच में मज़ा आ गया। और ये देखो यार, यहाँ पर और भी पोकेमॉन्स है शायद से। यहाँ पर एक हॉन्टर है, हॉन्टर को मैंने ऑलरेडी पकड़ा है। तो भाई यहाँ से चल के देखते हैं भाई। ये देखो, बास्किलिजन ने ज़िंदगी आसान कर दी है यार, काफ़ी ज़्यादा ऑसम है यार ये। ओके नाइस यार, नाइस, मज़ा आ रहा है यार चल के। ओके, वो गिब्बल है यहाँ पर, गिब्बल है भाई। गिब्बल को बाद में आकर मैं पकड़ लूँगा, मैं वापस नीचे आऊँगा तेरे को पकड़ने के लिए। गिब्बल डर मत, तू इधर ही रहने वाला है, आई नो दैट। ओके भाई, दिस इज सो ऑसम मैन, दिस इज सो ऑसम। गिब्बल को मैं एक्चुअली ऐसे ही नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो एक अग्रेसिव स्पीशीज है ना। तो अगर मैं पोकेबॉल फेंकूँ, ओ झाड़ पे भी चढ़ सकता है, क्या बात कर रहे हो, ये झाड़ पे भी चढ़ सकता है। दिस इज अमेजिंग मैन, दिस इज सो अमेजिंग। यानी कि पहली बार पोकेमॉन की गेम्स में तुम ऐसे झाड़ पर चढ़ सकते थे। ओके, तो ये श्राउडेड रुइंस पर हम वापस आ गए। और ये देखो भाई नो स्पेस, सो रहा है, तो दैट गिव्स अस अ चांस टू कैच इट। ओके भाई, ये अच्छा मौका है इसको पकड़ने का। भाई सोते रहे, सो जा दोस्त, प्लीज़ आ जा दोस्त। थैंक यू दोस्त, आ गया। चलो, एक नोज पास तो मिल गया, कम से कम वो एक एनकाउंटर था जो। ओ पालकिया की स्टैचू यहाँ पर, और ये उसकी ओरिजिन फॉर्म है। ओके नाइस, पालकिया। और ये देखो बाजू में डियाल्गा भी होगा कहीं, तो वो देखो वहाँ पर डियाल्गा है। अरे नाइस यार, क्या जगह है भाई, मज़ा आ गया। ओके नाइस, ये एक्चुअली श्राउडेड रुइंस नहीं होगी, ये कुछ और ही है। श्राउडेड रुइंस ऐसी तो नहीं थी, ये कुछ दूसरी एरिया है जो अनलॉक हो गई हमारे लिए। बट इट एक्चुअली लुक्स गुड। और भाई चलो स्नीज़लर बंदे, चलो आगे। ओके, वहाँ पर लक्सी और लक्सरे है। ओके, मैं उनको देख पा रहा हूँ। वोल्टोर भी था वहाँ पर। ओके, वोल्टोर है यहाँ पर। भाई तेरे को पकड़ने के लिए बाद में आऊँगा मैं, डर मत। ओ माय गॉड, रोटोम गाइस, रोटोम। हो नाइस, रोटोम है यहाँ पर, रोटोम है भाई। आजा रोटोम भाई, बंदे आजा। किधर गया, रुक, इधर ही रहे, ऐसे ही रहे रोटोम जी। स्माइल, यस गाइस, पकड़ लेंगे रोटोम को। अरे नहीं, फोड़ दिया। अरे भाग मत। ओके, हमको इसको पकड़ता ही होगा। वी हैव टू कैच दिस डूड। ऑल राइट रोटोम। ओ नहीं, ओ शिट, इससे बैटल ही करनी पड़ेगी अभी मेरे ख्याल से यार। नहीं यार,
मेरे को पकड़ना है रोटोम को, बट आई गेस अभी वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। भाई और एक शैडो बॉल कर रहा है, ओके ओके वी हैव टू बैटल दिस गाय, होपफुली मैं इसे मार ना दे, आई गेस इतनी डैमेज ठीक होगी इसके लिए। जाओ अल्ट्रा बॉल, आई होप बंदा आ जाएगा, प्लीज़ 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 आ जा, प्लीज़ आ जा, प्लीज़ आ जा। यस वी डिड इट, हमने रोटोम पकड़ लिया जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। और रोटोम के पास शैडो बॉल है, भाई रोटोम की टाइपिंग चेंज हो गई क्या? हाँ रोटोम एक्चुअली इलेक्ट्रिक गोस्ट टाइप ही था वैसे, मैं भूल ही गया भाई, ये भूल ही गया मैं उसके बारे में। ऑल राइट यहाँ से चलकर देखते हैं भाई ये, ओके हम यहाँ पर आ गए, ऑल राइट फाइनली यहाँ पर आ गए भाई, फाइनली आ गए, ओके हियर वी गो, वेलकम टू मून व्यू एरिया द सीट ऑफ लॉर्ड इलेक्ट्रोड। ओके आई नो आई हैव नॉट एग्जैक्टली बीन सपोर्टिव ऑफ यू रीचिंग दिस प्लेस, बट पार्ट ऑफ मी डिड होप। ओ नाइस, ये बंदी एक्चुअली अच्छी है यार, मतलब ये अच्छी है बस ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। कॉल मी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल यू लाइक गैलेक्सी ग्रैंड, बट सच इज लाइफ, एम्ब्रेसिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ। ओके ओके नाइस, एज अ मेम्बर ऑफ द डायमंड क्लैन माई हाइस्ट कॉलिंग इज टू प्लीज ऑल माई टी सिनो, and right now that means I must protect my lord by stopping you where you are. If you still wish to defeat me, okay electrode seed, acha humko isko harana hi hoga, battle karni hogi, let's go stunkan. okay bhai bhai mere pokemon healed up nahi hai yaar, fir ek bar that's bad bhai, mere ko do teen pokemon, acha mere pe char pokemon hai par uspe se bhi do teen ki health kam hai aur maine portion bhi nahi lagaya. oh my god bhai ye this is going to be tough. नाइट स्लैश मर गए, खत्म खत्म भाई खत्म भाई, दिस इज बैड। और भाई तीन तीन दो दो पोकेमॉन्स लेकर लड़ रही है यार ये, अच्छा दो नहीं तीन, एक्चुअली तीन पोकेमॉन्स भाई, दिस इज़ दी अनफेयर एडवांटेज आई एम टॉकिंग अबाउट। भले ही तुम 70 लेवल के पोकेमॉन लेकर चलो भाई, सामने वाला तुम पर 6-7 अटैक करने वाला है, तो वो ध्यान में रखना भाई, दिस इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। यानी कि गेम भले ही तुमको एक एडवांटेज दे रहा है कि भाई तुम जाकर 60-70 लेवल के पोकेबॉल्स पकड़ लो, पर साथ में वो गेम उस बात की अच्छे से तुमसे वसूली भी कर रहा है, वो मतलब ऐसे अनफेयर बैटल डाल रहा है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा 60-70 लेवल का पोकेमॉन भी स्ट्रगल करे, जो कि हो रहा है तुम्हारे सामने। और भाई इन्फर्नेम अटैक करना यार, ओके बेनो शॉक दैट विल किल अस, ओके बच गए फॉर सम रीज़न, ओके अरे यार मर गए, नहीं यार नहीं, हमें अटैक करने का चांस ही नहीं मिल रहा लिटरली, हम ऐसे अंदर आ रहे हैं और वैसे ही तीन चार जगह से, और वो भी एक एक हमला नहीं हो रहा, यानी कि वो ये स्टंकैंड दो हमला करेगा, बाद में गोल्ड बैट तीन हमला कर रहा है, उसके बाद बचेगा तो वो भी हमला कर रहा है, यानी कि 5-6 अटैक्स एक साथ हो रहे हैं भाई, और पॉइजन भी हो रहे हैं, स्लीप भी हो रहे हैं, व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल भाई, किसको तो मारना होगा हमको। पहले तो एजाइल स्टाइल में पहले स्टंकैंड को हरा देते हैं भाई, स्टंकैंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है भाई, ये मर गया ये अच्छी बात होगी, ये एक्चुअली ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट दे रहा था हमको, पर इसको हमने मार दिया। और भाई ये गोल्ड बैट, अरे यार कम ऑन मैन कम ऑन, अरे क्यों क्यों भाई क्यों भाई, ये लोग कैसे एक साथ इतने सारे अटैक कर रहे हैं यार, आई डोंट नो भाई। यहाँ पर अच्छा हम बच गए, 6 HP से बच गए, अरे कम ऑन यार, नहीं पॉइजनिंग से मर गए पर कम ऑन, नहीं नहीं ऑल राइट, वो गलत पोकेमॉन के सामने है वो भी, पहले अटैक मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात होगी, पहले अटैक कर ले, शैडो बॉल आई गेस मार देगा, नाइस नाइस नाइस, मर गया भाई बंदा मर गया, ओह दैट वॉज टफ मैन, दैट वॉज रियली टफ, बट वी पुल्ड इट ऑफ फाइनली, वी डिड इट नाइस। Let me make one thing clear, I didn't lose, you may, achha, I just lacked time, yes, I'm afraid there simply wasn't enough time for me to raise my Pokemon nice and strong. Ah, could this be why admin is always going on about time? My word, the Diamond Clan and Almighty Sinnoh truly are never ending, haan yaar, wo to hai. Yes, I know what comes next. You want to know? Yes, you don't want to know? Please, Lord Electrode, you can. Okay, अच्छा अभी हमें Electrode के पास जाना है. Nice, this is going to be amazing. Because I have completely forgotten what Electrode likes. अरे यार ये वापस ऐसा कर दिया. Come on यार, क्यों? What's the matter? Upset too bad. Anger doesn't make bombs. अरे यार Meryl, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जैन से हार गई ना, क्यों है ना,
अरे ऐड में ना गया, मेरा दोस्त आ गया यहाँ पर। आई गेस इट्स माई फॉल्ट फॉर नॉट टेलिंग यू इन एडवांस व्हाट इलेक्ट्रोड लाइक, सो हियर इट इज। ऐड मैन, क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया? मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, और तुम यहाँ पर इसे एक्चुअली बताने वाले हो? तुम इस छोटे से बेवकूफ को बताने वाले हो कि इलेक्ट्रोड को क्या पसंद है? क्या तुम भूल गए कि तुम हमारी लीडर हो, डायमंड क्लैन की तुम लीडर हो, और तुम इन गैलेक्सी के लोगों से क्यों ये करना चाहते हो? तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी मेरी, तुम देख नहीं सकती कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या तुम अपने लॉर्ड इलेक्ट्रोड को देख नहीं सकते? वो एक बहुत ही डरावनी एनर्जी एमिट कर रहा है। हाँ भाई, दिस इज वियर्ड। आई सी नथिंग बट अ पोकेमॉन ओवरकम विद जॉय एट बीइंग अमंग ऑलमाइटी सिनोस चोजन वंस। एनीवे, इट्स नॉट लाइक ट्रायल्स एंड सफरिंग्स आर ऑलवेज कॉज फॉर डूम एंड ग्लूम। दीज थिंग्स एग्जिस्ट टू हेल्प अस ग्रो। I'm sorry, Meryl can't write off these frenzies as some trial from Almighty Sinnoh. That's why I'm doing the best I can to help out. Senya, the bigger... Okay. भाई अच्छा, मैं क्रंची सॉल्ट चाहिए। ओके, क्रंची सॉल्ट एक्चुअली मेरे पास है। मैं ऐसे ही नीचे जब ही आ रहा था ना, ऊपर मेरे को क्रंची सॉल्ट मिला। नाइस नाइस, नसीब मैंने उठा लिया था, क्योंकि वो आइटम ऐसे ही उधर पड़ा था और मैं एक्चुअली जाने भी नहीं वाला था, पर मैंने बस उठा लिया। एंड दैट्स गोइंग टू बी कम इन हैंडी भाई, दैट इज़ ऑसम। फाइन आइडी, एंड ऑफ द डे लेट नन से दैट द ग्रेट मेरिल स्ट्राइक हर ड्यूटीज एज वार्डन। आई ओके ओके ब्ला 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 ब्ला। भाई इस गेम में बातें ना बहुत करते यार ये लोग। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए ये बना दिया है, तुम्हें ये इलेक्ट्रोड को खिलाना होगा। ऑल राइट, तो भाई अगले एपिसोड में हम वही करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोड का सामना करेंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ये गेम और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो यार काफ़ी मज़ा आएगा। तो भाई सब्सक्राइब के बटन को दबा दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो फॉर सम रीज़न, तो यार प्लीज़ कर देना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बस बाय यार।